जी क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। जब तक बाकी लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी जी अच्छा जी, कल हम कर रहे थे क्लास को, जस्ट पॉइंट पे हमने एंड किया। हम डिफरेंस देख रहे थे मेंबर का और शेयर होल्डर का। पहले तो हमने मेंबर की डेफिनेशन देखी, ठीक है, उसको समझा कि जी मेंबर क्या होता है। उसमें हमने ये चीज, एक सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट भी देखा कि, और समझा कि जी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का मीनिंग क्या होता है। और हमने उसको देखा कि जी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होता है क्या है, ये जब कंपनी रजिस्टर नहीं होती है तो जो उसको बनाने वाले होते हैं, जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने उस पर फाइनेंस लगाना है होता है, या जिन्होंने उसके बारे में सोचा होता है, हम उनको कहते हैं जनाब सॉरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और जैसे ही ये सब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो हमने कहा ऑन रजिस्ट्रेशन यही सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर हमने देखा कि वो लोग जिनको कुछ शेयर्स अलॉट हुए हुए हैं या होल्डर हैं, वो मेंबर्स कहलाएंगे। अब अलॉट और होल्डर का डिफरेंस भी देखा कि अलॉटमेंट क्या है, जो फर्स्ट टाइम शेयर्स मिले, और होल्डर क्या है कि जो सब्सिक्वेंटली आप परचेज करते रहते हैं, जो जिसके अंदर फ्रीक्वेंट सेलिंग एंड परचेजिंग होती रहती है। फिर हमने देखा कि अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर हमने वो गारंटी वाली बात देखी कि उसने कोई ना कोई गारंटी दी होगी, अंडरटेक की होगी, वो इतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग। और लास्ट में हमने कहा कि भाई उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होना चाहिए। अब बड़े मजे की बात यह कि अगर वो अलॉट, उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं या उसको शेयर्स होल्ड कर रहे, अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है तो फिर वो मेंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर उसने गारंटी दी है लेकिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन
जी रिज्यूम करते हैं, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। चलिए जी, हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन को और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब डेफिनेशन के अंदर देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट हमने देखा कि जी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑन रजिस्ट्रेशन बन जाते हैं मेंबर्स। इसके अलावा वो लोग जिनके पास शेयर्स जिनको अलॉट हुए हो, जो होल्डर हो, वो हमने कहा मेंबर्स होंगे। या यहाँ पे और कवर्ड है, और कवर्ड इसीलिए है कि या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। तो अगर लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई गारंटी भी होगी। उसके बाद देखिए एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ, एंड हुज नेम्स आर एंटर इन द रजिस्टर आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब एंड लगने से मुराद क्या है? एंड लगने से मुराद ये है कि वो सब्सक्राइबर जो ऑन रजिस्ट्रेशन एग्री होके मेंबर बन गया, उनका नाम रजिस्टर में होना चाहिए। अगर उनका नाम रजिस्टर में ना हुआ तो मेंबर नहीं कहलाएंगे। इसी तरह वो लोग जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं या होल्डर है, उनका नाम भी एंड रजिस्टर, क्यों एंड क्या होता है, सबके साथ लगता है, ठीक है, उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर मेंबर नहीं होगा, शेयर होल्डर होगा खाली। इसी तरह वो पर्सन जिसने एग्री किया है कि वो गारंटी देगा, ठीक है, जिसका शेयर कैपिटल नहीं, उस एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर होना चाहिए। अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर नाम ना हुआ तो हम उसको मेंबर नहीं कहेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया इस एंड के इस्तेमाल का? जी स्क्रीन और वॉइस सबको आ रही है? बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आई थी तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन क्या अभी स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही है? जी, तो क्या मेंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? काइंडली मैसेज में क्लियर का मैसेज कीजिए। कुछ डिफरेंसेस हैं शेयर होल्डर और मेंबर के दरमियान, उनको देखते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम कैसे इनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड तक पढ़ लेते हैं लेकिन स्टिल कंफ्यूजन रहती है, तो इसको देखते हैं। हमने कहा जी शेयर होल्डर, मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगी, आप इसको कहीं पे भी अपनी किताब में, कहीं से मुराद ये है कि अपनी किताब में लाजमी नोट कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, इसको नोट करने से आपने जब जब या जहाँ पे टॉपिक है आप वहीं पे इसको नोट कर लें। मैं कुछ लिखते हैं सर्कमस्टांसेस और आगे हम देखेंगे कि क्या ये मेंबर के अंदर होंगे या नहीं, इसी तरह शेयर होल्डर के अंदर होंगे या नहीं, ठीक है। पहला सब सर्कमस्टांसेस हम ये जो देख रहे हैं, हमने कहा जी एक मिनट दीजिएगा। चले जी, सब्सक्राइब टू रजिस्टर मेमोरेंडम बट नॉट अलॉट, यानी कि एक सर्कमस्टांस हम जो पहला सर्कमस्टांस देखने लगे हैं कि जनाब वो रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तो है लेकिन उसको अभी तक कोई शेयर नहीं मिला, ठीक है, यानी कि वो सब्सक्राइबर टू द रजिस्टर्ड मेमोरेंडम है, यानी कि रजिस्टर्ड, यानी कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। तो बताइए, आप बताइए क्या ये पर्सन शेयर होल्डर होगा? यस और नो में जवाब दीजिए, देखते हैं। सब्सक्राइब टू रजिस्टर्ड, आगे लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड है मेमोरेंडम, बताइए, बट नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स येट। जी बताइए, पहले तो बताइए क्या मेंबर है कि नहीं, जी मेंबर है या नहीं मेंबर? जी बताइए ना, खामोशी क्यों है? इकरा, मिस्बा, नासिया, मोमिना, क्या ये पर्सन मेंबर है या नहीं? नो नो
सब्सक्राइबर टू द रजिस्टर्ड मेमोरेंडम में हमने क्या कहा था, वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम आफ्टर रजिस्ट्रेशन मेंबर बन जाते हैं. ही इज अ मेंबर मिसबा, ये मेंबर है. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, क्या शेयर होल्डर है? ठीक जी, क्या शेयर होल्डर है बताइए. नो, वेरी गुड. क्यों, शेयर्स उसको अलॉट नहीं हुए, तो ये शेयर होल्डर नहीं है. ठीक है, यहां से इसका डिफरेंशिएट हो जाता है. नेक्स्ट सर्कमस्टांस, अब देखिए यहां से कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर होगा. ठीक है, अब जी नेक्स्ट सिचुएशन हम लिखते हैं. अलॉटेड, इसको ब्लैक कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. Allotted shares on transfer by another person but name not registered in register of members yet. चलेंगे, जब तक आप सोचें मैं नेक्स्ट सिचुएशन भी लिख लेती हूँ ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. चलिए जी, सेकेंड सिचुएशन, अलॉटेड शेयर्स ऑन ट्रांसफर बाय अनदर पर्सन. किसी को शेयर्स मिले, और कैसे मिले, किसी दूसरे पर्सन ने उसको ट्रांसफर किए, लेकिन ये शेयर्स अभी तक उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है. बट नेम नॉट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स येट. अभी तक हमने कहा रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर उसका नाम नहीं लिखा, क्यों, टाइम डिले होता है. ठीक है, आप जैसे आप कोई किसी से प्लॉट खरीदते हैं तो आप उसको पैसे दे देते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है कोर्ट के मामला, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनने में, कि जिस पे लिखा हो कि ये प्लॉट आप उस पर्सन का होगे. तो इसी तरह शेयर्स अलॉट हो जाते हैं लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन होने में टाइम लगता है. तो बताइए क्या ये मेंबर है कि नहीं. सेकेंड सिचुएशन, यस और नो. ओके जी, सेकंड मेंबर नहीं है क्योंकि रजिस्टर नहीं हुआ. वेरी गुड नाजिया, वेरी गुड. यहीं से पता चल रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. बताइए आप अगला बात, बताइए क्या शेयर होल्डर है. एक मिनट, आपके मैसेजेस देख लो ना. जी, शेयर होल्डर मिसबा मेंबर्स की डेफिनेशन के अंदर जो सेकंड पार्ट है, ये जो पार्ट है टू होम इज अलॉटेड और बिकम होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर, दिस इज शेयर होल्डर. इसको शेयर, जिसके पास शेयर है उसको शेयर होल्डर कहते हैं. यानी कि मेंबर की डेफिनेशन के अंदर ये चार इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें से एक शेयर होल्डर भी है. तो कल मैंने आपको बताया था कि जनाब जो शेयर होल्डर है, यहाँ पे हमने कहा कि उसके पास शेयर्स हैं और उसका नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में मौजूद है तो वो मेंबर है. लेकिन हर मेंबर जरूरी नहीं कि उसके पास शेयर्स हो. क्यों, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है तो मेंबर, मेंबर जब रजिस्टर हो जाएगा, हो सकता है उसके पास शेयर्स ना हो. इसी तरह ये जो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है पर उसने गारंटी दी है, ठीक है, तो शेयर्स तो नहीं है उसके पास लेकिन मेंबर ऑफ द कंपनी तो है. ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है. चले जी, बताइए हम जो कर रहे थे कि ये सेकंड पार्ट में, क्या ये शेयर होल्डर है. शेयर होल्डर होगा क्योंकि शेयर्स तो अलॉट हो गए हैं. बिल्कुल सही जवाब. अब तीसरे का बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी.
जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, क्या ये मेंबर है? जी मिसबा, आप जवाब दीजिए तीसरे का, कि एक पर्सन है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो किसी पर्सन ने उस पर गारंटी दी हुई है, तो वो जो पर्सन जिसने गारंटी दी है, क्या वो मेंबर ऑफ द कंपनी होगा, यस और नो? इसलिए मैं कहती हूँ माइक का इस्तेमाल कीजिए ताकि जल्दी जल्दी बात करें। मेंबर है, शेयर होल्डर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब नजम, वेरी गुड। मेंबर होगा क्यों, हमने भी डेफिनेशन में देखा कि मेंबर तो होगा, लेकिन सिंस शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर ही नहीं, तो शेयर होल्डर कैसे होगा? तो यस और नो। सो जब ये टेबल आप अपने पास काइंडली नोट कर लीजिए, जब डेफिनेशन पढ़ें तो खाली खुली सिर्फ रट्टा मार के ना पढ़ें। मेंबर की डेफिनेशन वो बहुत दफा पूछता है, सो मेनी टाइम्स, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट लेके पढ़िए। सही है, वेरी गुड नाजिया। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये हमने बहुत डिटेल से मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस समझ लिया। अब जहां जहां मेंबर का नाम आया, तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए कि इसके अंदर ये सिचुएशन फॉल करेगी, कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑन रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। वो लोग जिनके पास किसी किस्म का शेयर है, वो लोग जिन्होंने किसी किस्म की गारंटी दी है, और इन तमाम लोगों के लिए लाजिम है कि उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, ठीक है। अगर सपोज किसी के पास शेयर्स हैं लेकिन उसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर नहीं आया, तो वो मेंबर नहीं कहलाएगा। इसी तरह किसी पर्सन ने गारंटी दी है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, तो वो मेंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है एंड, ये लाजिम है कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मौजूद हो। जी, किसी का कोई सवाल? चलिए जी, अगर वो सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनीज की तरफ। और यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास कितनी किस्म की कंपनीज होती हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और थोड़ी बहुत ही रेगुलेशंस देखेंगे। अभी रिसेंट जो पेपर था उसमें उसने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। 3 नंबर का सवाल था और देखिए 3 ही पॉइंट्स है, ठीक है। बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनाब मौजूद है सिंगल मेंबर कंपनी। अब है ये कंपनी, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर सिंगल मेंबर है। बहुत सारे लोग इसको सोल ट्रेडर से कंफ्यूज कर लेते हैं। मसला क्या है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर और सोल ट्रेडर के अंदर? सोल ट्रेडर रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। यही अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो, ठीक है, अगर अपने आप को रजिस्टर करवा लो तो आप कंपनी बन जाओगे, क्योंकि कंपनी बनने के लिए सिंपल क्या है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। ऐसा ही, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट, आप बनो और अपने आप को रजिस्टर करवा दो। तो सपोज कोई एक सोल ट्रेडर था, एक पर्सन था, हमने उसका नाम ले लिया अली। वो उस कंपनी का हमने कहा है कि फाइनेंस भी खुद कर रहा है उसको, यानी कि सरमाया भी उसने खुद लगाया है, मैनेज भी खुद कर रहा है, उसके ऑपरेशंस भी खुद ही देख रहा है, उसके तमाम फंक्शंस वो अकेला खुद ही मैनेज कर रहा है, उसकी प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेजिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी खुद देख रहा है, एचआर मतलब वो खुद ही है, फाइनेंस खुद ही देख रहा है, बिलिंग खुद ही देख रहा है, अपने जो भी उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, सेल से रिलेटेड चीजें हैं, सारी चीजें तन तनहा वो कर रहा है। लेकिन अगर वो ये सारे काम कर रहा है, वो अपने आप को फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 करते, तो हमने कहा ये क्या बन जाएगा, तो कंपनी बन जाएगा, और ऐसी कंपनी को हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। शॉर्ट में इसको लिखते हैं, एस यहां से आया, एम यहां से आया और सी यहां से आया, एस एम सी।
यूजली एसएमसी जो होती है ये एक प्राइवेट टाइप ऑफ कंपनी होती है। प्राइवेट क्या होता है इसके ऊपर आते हैं, तो इसको यूं लिखा जाता है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। एस से मुराद सिंगल, एम से मुराद मेंबर कंपनी। अब ये जो मेंबर है यही सब कुछ है। हमने कहा ये मेंबर इस कंपनी को मैनेज भी कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्टर भी खुद हो गया। ऐसा ये नहीं कि अपने तमाम काम खुद कर रहा है तो हम इसे कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, सपोज ये अली जो सिंगल मेंबर कंपनी चला रहे, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी का क्या होगा, कंपनी कहाँ जाएगी? जी वैसे तो हमने पढ़ा था कंपनी के कॉन्सेप्ट में, ये कंपनी तो एग्जिस्टेंस में रहेगी, चाहे कोई अपने शेयर ट्रांसफर कर दे, सोल्ड कर दे, मेंबर चेंज होते रहे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन चल रही है, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। कंपनी की एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं होगा, और इसे ही हमने कहा था ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर अली की डेथ हो जाए या अपने अली शेयर्स किसी को सेल कर दे, डेथ के अलावा भी चार सिचुएशंस है ना, ये सारे शेयर सेल कर दे, किसी को ट्रांसफर कर दे, फिर क्या होगा? जी जवाब दीजिए, फिर क्या होगा? जी इकरा, मिसबा, मोमिना, नजम, नाजिया, क्या होगा? सोचे ना, दिमाग पे थोड़ा सा तो जोर डाले, क्या करेंगे? जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे या अगर उसने ट्रस्टी रखा हुआ था तो उनको इट विल ट्रांसफर टू इट्स लीगल हायर। बात आपकी सही है, लेकिन बात के अंदर है थोड़ा सा ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट पे वो बड़े जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज बना चुके हैं। तो इस ट्विस्ट को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने कहा सिंगल मेंबर कंपनी है, याद रखिएगा जब ये पर्सन अली इस कंपनी को बना रहा था तो हमने कहा था उसको कहते थे सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले का सफर। ऐसा ही है, तो रजिस्ट्रेशन से जो पहले का टाइम था वी वर सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। जब कंपनी रजिस्टर हो गई हमने कहा यही अली मेंबर भी हो गया और डायरेक्टर भी हो गया। याद रखिए व्हेन ही वाज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जब वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहा था सारी, वो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहा था, वो इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहा था, या कोई और किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन थी वो बना रहा था, तो उसी टाइम वो नॉमिनेट करता है एक पर्सन को। अब ये नॉमिनेट किस पर्सन को कर रहा है? हमने कहा सपोज इसने किया, नॉमिनेट किया है पर्सन अकबर। अकबर साहब को वो क्यों नॉमिनेट करता था कि इन द इवेंट ऑफ डेथ, कि अगर सपोज अली की डेथ हो जाती है तो फिर अकबर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसकी, कि ये मैनेज करेगा उसकी कंपनी को। कब तक करेगा? जब तक कि ये जो कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी, ये ट्रांसफर नहीं हो जाती उसके लीगल हायर्स को। तो ऐसा नहीं है कि डेथ होगी तो कंपनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये सिंगल मेंबर कंपनी का आप ये उसका लॉयर है जो इस सारी प्रोसीडिंग्स को करेगा, यानी कि एक तरह का एजेंट है, ठीक है? तो ये पर्सन नॉमिनेट किया जाता है कब, जब वो खुद सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम था, यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं, ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले ही उन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो उसको नॉमिनेट करता है। तो उसके दो काम थे, पहला काम है ट्रांसफर करे उसके तमाम चीजें उसकी लीगल हायर्स को,
और दूसरा काम यही है, मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया, यही उसके दोनों काम। और जब तक ये ट्रांसफर नहीं होती है, उसके कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा। ठीक है, अब यहीं पे मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज हमने कहा ये जो उसने पर्सन नॉमिनेट किया था अकबर, उसने ट्रांसफर वाले डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर का प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करवा दिया और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना शुरू कर दिया, तब तक जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाता। अब जो ट्रांसफर की बारी आई, तो हमने कहा कि जो अली साहब थे, ठीक है, हमने कहा अली साहब की डेथ के बाद पीछे रहेगी उनकी वाइफ और दो बच्चे, टू किड्स। अब इनको हमने कहा ये सिंगल मेंबर कंपनी ट्रांसफर हो गई है। द क्वेश्चन इज द कंपनी सिंगल मेंबर नाउ? जी, यस और नो? जी, इज द कंपनी सिंगल मेंबर नाउ? क्या ये कंपनी एज अ सिंगल मेंबर काम करेगी, चल सकती है, इसी तरह चलती रहे? अनदर क्वेश्चन, काम करती रहे इसी तरह? जी, नजम इस्पा, अगर सिंगल मेंबर नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि अब ये सिंगल मेंबर नहीं रही, एग्जैक्टली क्यों? सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर एक मेंबर था, मेंबर हो गया तीन। ऐसा ही अगर यहाँ पे मतलब एक वाइफ है, टू किड्स हैं, तो अब उसे क्या करना होगा? मैंने कहा कि जी अब आप सिंगल मेंबर नहीं रहे, ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर सेल्फ। नहीं, आपको कन्वर्ट कर दो किसमें? आप वैसे तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल मेंबर कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी ही ऑपरेट करती है, ऐसा ही है, तो आप इसको प्रॉपरली प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये एसएमसी का टाइटल हटा दो, ये जो टाइटल है ये खत्म कर दो, ठीक है? रिपीट करती हूँ मैं आपको किताब से भी दिखा के कि सिंगल मेंबर कंपनी क्या है। हमारे पास डेफिनेशन पढ़िए, सिंगल मेंबर कंपनी मींस विच हैव ओनली वन मेंबर, ठीक है, इट इज अ कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेंबर हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके स्पेशल रूल्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, और ये इस कंपनीज के अंदर इनका नाम इस तरह लिखा जाता है। अब जो बात मैंने आपको बताई वो आपके पास लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मौजूद है। आपने क्या करना है, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जनाब 5.2, यहीं पे इसके साथ जहाँ पे सिंगल मेंबर लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए इधर यहाँ पे लिख लीजिए, रेफर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5.2, पेज नंबर भी देख के लिख लेंगे ताकि जब जब आप ये चीज पढ़े आप इसके साथ वो भी पढ़े। दिखाती हूँ, अच्छा जी यहाँ पे ये देखिए, ये है जनाब सिंगल मेंबर से रिलेटेड, आई गेस वो पेज 5-7 था, यहाँ पे भी आप इसको रेफर कर दीजिए, इसके नाम के साथ लिख लीजिए जी, वो थी डेफिनेशन थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.3.1, रेफर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.3.1, आई गेस पेज 5 था, ठीक है जी। यहाँ पे मेंशन है, ये सारी कहानी जो मैंने पढ़ाई आपको, जल्दी से इसको एक दफा रीड कीजिए, एक मिनट रीड करें, बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर है?
जी हो गया रीड। यहाँ पे देखिए ये मेंशन है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और एमसीक्यू इसका आया था और इसी से रिलेटेड आया था कि कौन पर्सन नॉमिनेट करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसको मेंबर कर दिया, उसने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वही मेंबर जो ऐसा डायरेक्टर है क्या है सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर था सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम व्हेन द कंपनी, यानी कि जब रजिस्टर नहीं थे, जो इस कंपनी को बनाने वाला था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉमिनेट करना। जी पढ़ लिया सबने। लीगल हायर्स, उसके लीगल हायर्स में मुराद ये होता है कि जो उसकी फैमिली है जो विरासत में हकदार है, अगर तो मुस्लिम है तो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस चलेगा, और अगर नॉन मुस्लिम है तो जो भी उनका रिस्पेक्टिव लॉ है उसको फॉलो करेंगे। चले जी ये तो हो गया जी सिंगल मेंबर कंपनी से रिलेटेड। पेज 17 है इसका, वहां पे हम जाके पेज 17 लिख लेंगे। ये जी रेफर पेज नंबर 17। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई है प्राइवेट कंपनी, और ब्रैकेट में उसने लिख लिया अदर देन एसएमसी, यानी कि एसएमसी के अलावा प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी से पहले हम ऐसा करते हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को देखते हैं। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है उसकी। ये देखिए पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन लाइनर डेफिनेशन है, क्या कहती है, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं, इसका मतलब है जिसके अंदर प्राइवेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसको हम पब्लिक कंपनी कह देंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाए पब्लिक कंपनी क्या है, और सवाल आ गया है आपका 3 या 4 मार्क्स का, तो क्या खाली सिर्फ ये लिख के आएंगे द मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? नहीं, फिर हमें प्राइवेट कंपनी में जो चीजें होती हैं वो नहीं करके बता देंगे। ऐसा ही है, क्योंकि उसने कहा है कि वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक होती होगी, जिसका मतलब है प्राइवेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पब्लिक के अंदर नहीं होंगे। सही है, तो देखते हैं कि जी प्राइवेट के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइवेट नाम से नजर आ रहा है कि एक सेटअप ऐसा है जिसको आपने प्राइवेट कर दिया, यानी कि मखसूस कर दिया। दिस सेटअप इज बिटवीन अ सेट ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि कहते हैं फॉर इंस्टेंस हमने कहा हम 3 लोग कंपनी बनाते हैं, अमाना मेस्पा मोमिना। और जब हम ये कंपनी बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम किसी आउटसाइडर को इसमें शामिल नहीं करेंगे, नो आउटसाइडर। हाँ हमारी फैमिलीज में से किसी ने आना हुआ तो ठीक है, इसके अलावा हम किसी को बाहर को नहीं बुलाएंगे। अब बाहर को नहीं बुलाएंगे इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को नहीं ऑफर कर रहे। मैंने कह दिया ना कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, आप किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी के अंदर मेंबर या शेयर होल्डर नहीं बनाना चाह रहे, आप रिस्ट्रिक्ट रहना चाह रहे हो, आपके अपने फ्रेंड्स के सर्कल है, आपका फैमिली बिजनेस है, आप किसी बाहर के बंदे को नहीं लाना चाह रहे, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है प्राइवेट। होता है क्या, कहते हैं इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर योर शेयर्स एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट। पहली बात, आप अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि अमाना मिसबा मोमिना जब इन्होंने कह दिया कि हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे, उसका मतलब अमाना अपने शेयर्स किसी को सेल नहीं कर सकती, मिसबा नहीं कर सकती। कहते हैं सेव एज अदरवाइज का मतलब होता है एक्सेप्शन। आप इसको एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, के एक्ट के अंदर अगर कहीं कहीं एक्सेप्शन मौजूद है कि सपोज कि किसी सिचुएशन में इस पर्सन को यहाँ से निकलना पड़ता है, ऐसा नहीं ये बाउंड हो जाते, अपने शेयर सेल कर सकते भी हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं, कोई सिचुएशन आ गई, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीका कहा है, परमिशन लेनी होती है, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहले लाइक 3 इयर्स बैक वो सिलेबस में होता था, 2-3 इयर्स बैक, पर अब नहीं है, ठीक है, उसने वो सेक्शंस ही निकाल दिए कि जहां पे जब आपने सेल से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का पूरा टॉपिक होता था, जिसमें हम देखते थे कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, लेकिन
अमूमन नॉर्मली आपको इसकी इजाजत नहीं होती। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन नॉर्मली इसकी परमिशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, सपोज हमने कहा ये दो फैमिलीज का बिजनेस है, उसके अंदर 50 मैक्सिमम है। अगर आप 50 से ज्यादा हो गए तो फिर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकते। ठीक है, और इसके अंदर वो क्लियर है कि भाई वो लोग जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको शामिल नहीं करना। कोई अकाउंटेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई जेनिटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको नहीं शामिल करना। बात हो रही है मेंबर्स की। अब मेंबर्स की डेफिनेशन आपको पता है कि मेंबर्स कौन है? जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और रजिस्ट्रेशन मेंबर बन जाते थे, वो जिनके पास कुछ शेयर्स हो और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मौजूद हो, वो जिन्होंने गारंटी दी और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर मौजूद है। लास्ट जो हमने सबसे पहले देखा, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कि आपको क्लियरली प्रोहिबिट कर दिया गया है। हम यहीं पे एक बड़ी चीज, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि आगे पूरी किताब के अंदर आएगा। अंग्रेजी का फर्क है, वो क्या है जनाब, कि ये प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसका क्या मतलब है बताएंगे? प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्शन, जी इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? जी इकरा, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्शन के अंदर, उर्दू में बता दें, उर्दू में इनका क्या मतलब होगा? अक्सर इलाकों के ऊपर लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड एरिया। याद रखिएगा प्रोहिबिट जो है ना, ये चीज मना है, ये अलाउ नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी गुड नजम, वेरी गुड आंसर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। प्रोहिबिट के अंदर हमने कहा कि अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, दोनों के अंदर नॉट अलाउड है। ठीक है, प्रोहिबिट के अंदर भी, रिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नॉट अलाउड। लेकिन प्रोहिबिट के अंदर नॉट अलाउड टू एनीवन, कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं जा सकता, सब प्रोहिबिटेड एरिया। जहां पे आपके बाउंड्री लाइन होती है तो उधर लिखा होगा प्रोहिबिटेड एरिया, कोई भी पर्सन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, नो वन कैन क्रॉस दैट लाइन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, ये भी नॉट अलाउड है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकती हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है, इसका मतलब है वैसे जनरली अलाउ नहीं है लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग ये काम कर सकते हैं। दोनों बेसिकली अलाउ नहीं है लेकिन फर्क कहाँ है कि रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जो प्रोहिबिटेड चीज है वहां पे देर इज नो एक्सेप्शन, कोई भी पर्सन ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे देखेंगे, डायरेक्टर्स के चैप्टर्स के अंदर देखेंगे और कंपनी के राइट्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड देखेंगे जहां पे प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो प्रोहिबिट का मतलब हुआ कि ये काम किसी भी सूरत अलाउ है ही नहीं, तो जहां भी रिस्ट्रिक्ट आए ना, आपने खुद समझ आना कि यहाँ पे एक्सेप्शन का जिक्र जरूर करना है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। जिस तरह यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज हो रहा है तो साथ ही उसने कर दिया एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिया। ये जहाँ पे रिस्ट्रेनिंग में आपको होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या होता है कि कुछ लोग जा सकते हैं, तो जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज है इसका मतलब है कुछ लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिट आ गया इसका मतलब है पब्लिक को तो इनवाइट आप कर ही नहीं सकते कि आके मेरे शेयर लो। सो दिस इज प्राइवेट कंपनी। अगर यही सवाल पब्लिक कंपनी का आ जाए तो पब्लिक कंपनी क्या है, हम उसे कहेंगे पब्लिक कंपनी के अंदर यू कैन ट्रांसफर योर शेयर, यू हैव अ राइट टू ट्रांसफर शेयर, आपके मेंबर्स मोर देन 50 होते हैं और आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। सिंपल, वही चीजें जो यहाँ पे मना है वो वहां पे होंगी। जी क्लियर है? अभी यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट,
फॉर इंस्टेंस हमने कहा जी अमाना है, नजम है और नस्बा है। हमने कहा चले जी ऐसा करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स लेंगे। हमने कहा जी पैसे निकालते हैं, देखते हैं किसी कंपनी के शेयर्स ले। हम तीनों ने मिल के कुछ पैसे डाले, कुछ इसने अमाना ने डाले, कुछ नजम ने डाले, कुछ नस्बा ने डाले। सपोज हमने 5,000 रुपये डाले, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास पैसे जमा हो गए। हमने कहा जो शेयर था वो ₹10 पर शेयर था। तो हमने कहा इस तरह फिर हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स जो हम खरीद सकते थे वो 500 हो गए। हमने 500 नंबर ऑफ शेयर्स तीनों ने मिल के जाके खरीद लिए, ठीक है। अब यानी कि ये जो 500 शेयर्स हैं इसके 3 ओनर्स हैं, ऐसा ही। अब आपसे सवाल ये है कि वो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा जहां पे हम मेंशन करते हैं कि हमारी ये नाम, ये जो शेयर्स हैं हमने लिए हैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर यहाँ पे तीनों के नाम आ रहे होंगे कि जी अमाना, नजम, मिसबा, और इसके आगे तीनों के आगे लिखा होगा कि ये तीनों मिलके 500 नंबर ऑफ शेयर्स को ओन कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि जब अगर मेंबर की गिनती करेंगे, काउंट करेंगे, फॉर इंस्टेंस जैसे प्राइवेट के अंदर उसने कह दिया है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इनको कितना गिना जाएगा? एक गिना जाएगा या 3 गिना जाएगा? जी गिनती के अंदर काउंट करने हैं हमने मेंबर्स, तो 1 काउंट करेंगे या 3 काउंट करेंगे? कॉन्सेप्ट ये है, ये तीनों मिलके 500 शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, तीनों मिलके कर रहे हैं जी। मेंबर्स काउंट करने और भी लोग हैं, तो ये जो 3 लोग हैं जो मिलके शेयर्स को ऑन कर रहे हैं, जिनको हम ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कहेंगे, ये एक काउंट होगा गिनती में या 3 काउंट होंगे? जी नजम ने जवाब दे दिया, बाकी लोग जवाब दीजिए जी। इकरा, मिसबा, मोमिना, नाजिया, 1 और 3, जस्ट राइट इट, सोचने का टाइम नहीं है। एक ही, वेरी गुड, एक ही काउंट होगा। याद रखिएगा जहां पे ज्वाइंट शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, यानी कि एक शेयर को एक से ज्यादा लोग ऑन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल, ठीक है। एक छोटा सा सवाल करते हैं, और फिर आगे चलते हैं। हाँ मैं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, बस वो क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं जी। ये है पास पेपर का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, याद रखिएगा आपकी किताब के अंदर जहां प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये ऑथेंटिक आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं उन्होंने खुद से बनाई है। जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज योर पास पेपर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, हमेशा एवरी टाइम आपने रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके मार्क्स देखने। रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017, सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गिवन सिनेरियो। सजेस्ट करना है, सजेस्ट का क्या मतलब होता है? तजवीज करना, किसी को बताना कि ये काम कैसे किया जाए। जब आपसे कोई सजेशन मांगता है, तो सजेशन की भी वो आपको सिनेरियो खुद बताता है, ठीक है। वो आपको जब भी कोई सजेशन मांगता है, वो कहते हैं, वो आपसे ये सवाल करता है कि बताओ ये करूं या ये करूं, ठीक है। या आपको जब भी आप सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, आप क्या कहते हैं, कोई चीज किसी को सिनेरियो पूरा सुनाते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फलानी चीज ऐसे हुई, अब बताओ मैं क्या करूं, ठीक है, यानी कि मुझे सजेस्ट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पूछता है कि मुझे क्या सजेस्ट करो, तो हाउ यू आंसर, आप बात करते हैं टू द पॉइंट, ठीक है, ये चीज करो।
अगर वो आपसे सवाल करता है एडवाइस का, कोई आपसे नसीहत मांगता है कि मुझे एडवाइस करो, जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, तो डॉक्टर एडवाइस कैसे करता है, आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना, नॉट टू डू, ऐसा है आपको एडवाइस करता है ना, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है कि दवाइयां खानी है और ये काम नहीं करना। तो आई कैप का जब सवाल आता है वो आपसे सजेस्ट पूछता है या एडवाइस पूछता है, तो सजेस्ट में यू हैव टू गो टू द पॉइंट, क्योंकि दोनों दो चीजें होंगी, या तो सजेस्ट में क्या होगा वो आपको दो सिनेरियोस बताएगा कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो चल रहा है, बताओ क्या करूं, इनमें से किसको चूज करूं, या वो आपको एक सिनेरियो सिंपल बता देगा, बताएगा अब बताओ कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन आगे क्या किया जाए, कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद क्या है, आगे क्या किया जाए, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना सवाल को देखते हुए कि वो आपसे क्या चीज पूछ रहा है, और इसी तरह उसका आंसर करना है, और यही ट्रिक है आई कैप के सवाल को करने की। एग्जामिनर कमेंट्स देखें तो वो बड़े क्लियरली कहता है कि मैंने तो एडवाइस पूछा था, मैंने तो सजेस्ट पूछा था, उसने बस इतनी बात करके आगे सवाल को छोड़ दिया, आगे बताया ही नहीं। तो यहाँ पे उसने पूछा हमसे सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसका मतलब हम उसको टू द पॉइंट बात बताएंगे, ये टू डूज और नॉट टू डू की बात नहीं बताएंगे। बहुत सारे बच्चे बस ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, तो उसने ये नहीं पूछा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सेक्रेटरी हैज रिसेंटली ज्वाइन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से पता चल गया हमेशा सवाल करते हुए टाइप ऑफ कंपनी को अंडरलाइन कर देना। शी इन्फॉर्म द सीईओ दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज क्रॉस द मैक्सिमम नंबर प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, उसने कहा कि प्राइवेट कंपनी है और नंबर एक्सीड कर गए, मैक्सिमम नंबर कितने थे 50, इसका मतलब वो कह रही है 50 से एक्सीड करके, और उसने हमें एक टेबल बना के दे दिया और जिसके अंदर टोटल मेंबर कह रही है देखो 52 हो गए, अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ क्या किया जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वो कहते हैं जी कॉर्पोरेट मेंबर्स हमारे पास 14, इंडिविजुअल्स एंड 34, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स ज्वाइंटली, तो आगे क्या लिख दिया उसने, फोर, उसे कहेंगे मोहतरमा सेक्रेटरी यहाँ पे फोर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वन। तो हम इसका जवाब उसको देंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन मेंबर एज पर कंपनीज एक्ट 2017। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये 52 नहीं, ये 49 है, ठीक है। और उसे कहेंगे कि यहाँ पे सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन, आगे क्या करना, तो हम उसे बताएंगे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेंबर्स आर विद इन द लिमिट एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 49 इंस्टेड ऑफ 52, ठीक है जनाब। आप लोगों का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद करना है और जो पढ़ाया गया है उसको सारे को देखना है। यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।